हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी। अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जाति सर्वे का रिजल्ट आ गया। नीतीश कुमार, लालू यादव जो चाहते थे रिजल्ट, उसी अपेक्षा के मुताबिक है। यानी कि 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा है। और यदि बात करें सवर्णों की, तो वो 15%, 15.5% है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद दो काम, भला ये कौन क्या कह रहा है, उससे थोड़ी सी ये बात पता चलती है कि आगे क्या रणनीति बन सकती है। और दूसरा ये कि क्या विपक्षी गठबंधन यानी INDIA ने NDA, BJP और PM मोदी को जाति चक्रव्यूह में घेर लिया है, तो फिर उनकी क्या अगली रणनीति होगी? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किसने क्या कहा। मनोज झा को सुनिए, क्योंकि RJD के जो आइडियोलॉग माने जाते हैं वो मनोज झा ही है, मुख्य प्रवक्ता है, वो क्या कह रहा है। रिलीज हुई है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। 1931 के बाद पहली बार कहीं पर ये जनगणना हुई है, ये सर्वेक्षण हुआ है। इससे आपको हर व्यक्ति को, किसी को इससे आहत नहीं होना, हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी। जवाब देने के लिए BJP के तेज तरार प्रवक्ता वकील रविशंकर प्रसाद आए हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। का क्या डाटा हुआ है देखकर बात करेंगे। सवाल है कि OBC की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहां पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहां मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहां है? हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने ओबीसी के विकास के लिए क्या काम किया। और अगर इतनी हिम्मत है, जब द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेत्री, गरिमा में नेत्री, देश के राष्ट्रपति बन रहे थे, क्यों विरोध किया था इन लोगों ने? रामनाथ कोविंद का क्यों विरोध किया था, दलित नेता? ये सब दिखावा है। चलिए, मनोज झा जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद सवाल उठा रहे हैं कि इससे क्या मिलेगा, क्या परिवारवाद खत्म हो जाएगा? और फिर वो बहुत सारे जो राजनीतिक घराने हैं उनके हिस्ट्री बता जाते हैं। अब इसके बाद सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना कराई है नीतीश कुमार ने और वार हो रहा है कांग्रेस पर। तो राहुल गांधी का आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से संसद में भी उन्होंने ये बात उठाई थी, और वैसे भी बयान देते रहते हैं कि यदि 90 सेक्रेटरी हैं तो उसमें से सिर्फ 3 OBC है, जो 5% बजट ही कंट्रोल करते हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हम हक दिला के मानेंगे, यही हमारा प्रण है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट का अब एक्स पोस्ट किया है। तो अब जब राहुल गांधी की ये राय है, तो स्वाभाविक सी बात है कि PM मोदी आजकल चुनावी सभाओं में बिजी हैं, उन्होंने भी हुंकार भरी है, उन्होंने भी जवाब दिया है। सुनिए PM मोदी ने क्या कहा। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा,
यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई, किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो ये तो हो गई विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात। अब जो दूसरा सवाल है कि विपक्ष करेगा क्या, तो इसी में तो छिपी है रणनीति। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किस में? सत्ता में। हिस्सेदारी किस में? नौकरियों में। अभी कितना आरक्षण है? जब से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया तो 50% की सीमा लांघ गया। तो अब ये मांग जोर पकड़ेगी कि पिछड़ों का आरक्षण जो फिलहाल 27% है और क्रीमी लेयर का सिद्धांत है उसको बढ़ाया जाए और दबाव इस बात के लिए बनाया जाएगा इसकी इसे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराई जाए, उसमें इस चीज को जातीय जनगणना हो। 1931 के बाद से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई और बिहार की गणना जो है वो जातीय जनगणना नहीं कहलाएगी, वो एक सर्वे है। क्योंकि जनसंख्या जानने के लिए जो गणना होती है वो कराता है केंद्र, तो वो सेंसस जो है वो केंद्र का अधिकार है। तो इसके लिए दबाव बनेगा और दबाव सिर्फ विपक्ष ही नहीं बनाएगा, जो एनडीए है उसके अंदर से भी ये मांग उठ रही है। जैसे अनुप्रिया पटेल है, केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय और जातीय जनगणना हो। और भी जो घटक दल है एनडीए के साथ वो भी ये कह रहे हैं। तो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से एनडीए और मोदी सरकार पे ये दबाव बनेगा कि जातीय जनगणना हो। और फिलहाल आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जब जगदलपुर में बोल रहे हैं तो कहीं से भी वो इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि जानते हैं कि जातीय जनगणना कराने के साथ ही कितने तरह के मुद्दे सामने आएंगे, उनसे निपटना कितना मुश्किल होगा। तो अंदर और बाहर से चक्रव्यूह की रचना होगी। फिर मान लीजिए कि इनके इन्हें तैयार होना पड़ता है, उसका अगला कदम ये होगा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। यहीं पे पेंच फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 2019 के चुनाव से पहले जो सवर्ण है आर्थिक रूप से कमजोर उनको आरक्षण दिया गया तो ये सीमा क्रॉस हुआ, लेकिन कोर्ट ने मान लिया। इसके लिए जब दबाव बनेगा कि तो आप जोड़िए 27% और 36% तो आरक्षण देने की मांग होगी। अब इधर से क्या होगा कि यदि दबाव बढ़ेगा, चक्रव्यूह रचना हो जाएगी, तो मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार ये चाल चलेगी कि जो कुछ जातियां आरक्षण का लाभ चट कर जाती हैं उन्हीं तक योग्य हो। यदि आपने पिछड़ा और अति पिछड़ा बांट ही दिया तो फिर अति पिछड़ों को क्यों नहीं, और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, जब उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको दिया जाना चाहिए। फिर ये बात भी सामने आनी चाहिए कि अभी तक जो आरक्षण मिला है किसको कितना लाभ मिला, ये भी आना चाहिए कि क्या कुछ जात विशेष ही इस आरक्षण का लाभ जो है अभी तक ले रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी और चक्रव्यूह की रचना जो है विपक्ष करेगा, विपक्ष का ये काम भी है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से उसे निपटेगा। और पीएम मोदी ने आज नारा दे दिया है कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और उसका भला करना हमारा काम है। अब देखते हैं कि किसकी किस चाल पे सरकार कैसे जवाब देती है। विपक्ष का पलड़ा फिलहाल तो भारी दिख रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए।